हेलो गाइस, कम बैक। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, सिविल इंजीनियर। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं या फिर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, तो आपको बहुत ही सारी दिक्कत का प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है साइट पे जॉब पाने के लिए, इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए। फर्स्ट टारगेट होता है आपके आपके ऊपर जो टैग लगा होता है फ्रेशर सिविल इंजीनियर का। आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर का आप अपने ऊपर से कैसे टैग हटा सकते हो, और आपको अगर आप साइट पे काम करवा रहे हो तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को। चलो आज हम यही पॉइंट डिस्कस करते हैं एक सिविल इंजीनियर को, कि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर क्या होता है? अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो या फिर आप बीटेक पास हो, तो आपको फर्स्ट पॉइंट होता है बीटेक पास हो तो आपको फर्स्ट पॉइंट होता है इंटर्नशिप। आप कहीं पर भी जाके, किसी भी आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके आप वहां पे इंटर्नशिप कर सकते हो। 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। वहां पे आप जाके बेसिक साइट की जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं आप वहां से समझ सकते हो, ड्राइंग रीड करनी आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट होता है साइट पर वर्क करवाना। थर्ड पॉइंट होता है साइट पर लेआउट करवाना। हम उसे बोलते हैं जहां जिस ड्राइंग में ये सपोज एक मेरा एक लेआउट प्लान है, उसमें मेरे छोटे छोटे कॉलम दे रखे होते हैं, उस कॉलम की प्लेसिंग को हम लेआउट बोलते हैं। ड्राइंग में हमें कॉलम की प्लेसिंग दे रखी होती है, उसी ड्राइंग को देख के हम साइड पे कॉलम की प्लेसिंग करते हैं। उसमें हमें ग्रिड लाइन दे रखी होती है, ड्राइंग में एक्स और वाई हमें ग्रिड लाइन दे रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम साइड पर लेआउट करवाते हैं। स्टील कॉलम का स्टील निकालना, जिसे हम BBS बोलते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल, BBS बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। उसमें हम कॉलम का जो हमें फुटिंग दे रखी होती है उसका हमें स्टील निकालना होता है, मेन बार्स, क्रॉस बार्स, और हमें उसमें देखना होता है हमारा कितने डाया का स्टील लग रहा है, कितने डाया का स्टील लगाना है और कितने टू सेंटर हमारा स्टील है। कॉलम की हमें कटिंग लेंथ निकालनी है। फोर्थ पॉइंट है सोइल का कॉम्पैक्शन कैसे करना है और किस टाइम पर सोइल का
इंस्पेक्शन करना है। फिफ्थ पॉइंट है हमें शटरिंग कास्टिंग। कॉलम की कास्टिंग करना। सिक्स पॉइंट है शटरिंग करना। मटेरियल कॉलम में मटेरियल कितना लगेगा। सेवन पॉइंट है क्यूरिंग। कंस्ट्रक्शन वर्क में हमें क्यूरिंग का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। प्लानिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा प्लानिंग। बिल्डिंग को हमें कैसे प्लानिंग करके कंस्ट्रक्शन करवानी है इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ये बेसिक पॉइंट याद रखने हैं। तो अगर आपको और नॉलेज लेनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, जो मेरा यूट्यूब चैनल है सिविल इंजीनियरिंग विशाल मिश्रा। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप साइट से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो वीडियो है आप उनको देख सकते हो। और आप अपने फ्रेशर सिविल इंजीनियर का जो आप पे टैग लगा है आप उसे हटा सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं।